भरतपुर विगत शनिवार को छात्र संघ अध्यक्ष पवन चिकित्साना व छात्र संघ पदाधिकारियों द्वारा अपना कार्यालय उद्घाटन कराने का महाविद्यालय प्रशासन से आग्रह किया तो प्राचार्य ने विभागीय आदेश का हवाला देते हुए कार्यक्रम कराने में असहमति जताई। बाद में छात्र संघ के पदाधिकारियों ने परामर्शदाता समिति पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने हमें जानबूझकर अंधेरे में रखा। जिला संयोजक नितेश हत्रा ने बताया कि विद्यार्थी परिषद के छात्र संघ पदाधिकारियों द्वारा शांतिपूर्वक तरीके से धरना स्थल पर अनशन पर बैठे थे, तभी सरकार व कॉलेज प्रशासन के दबाव में आकर पुलिस प्रशासन के द्वारा प्रदर्शनकारियों को जबरन उठाकर ले जाना वरना जबरन समाप्त कराना व कार्यकर्ताओं से उनके मोबाइलों को छीन कर ले जाना, कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ना सरकार और मंत्रियों के हस्तक्षेप को दर्शाता है। कॉलेज प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि विधानसभा समाप्ति होने के बाद ही हमारा कार्यक्रम करा दिया जाएगा। उन्होंने हमें लेटर लिखित में दे दिया है, इस वजह से हमारी छात्र शक्ति की जीत हुई है, विद्यार्थी परिषद की जीत हुई है। इतने दिनों से मेरे साथ में बैठे भूपरदल मेरे उन सभी भाइयों की, सभी मेरे सहयोगी कार्यकर्ताओं की जो मुझे मार्गदर्शन कर रहे थे, उन सभी की जीत हुई है। मैं सभी का बारंबार धन्यवाद करता हूं कि आपने फिर मेरा साथ दिया और ये जीत दिलाई। ये मेरी जीत नहीं, उस छात्र शक्ति की जीत है जिसने यहाँ आके हमारी विद्यार्थी परिषद की आवाज़ को बुलंद किया। सभी को धन्यवाद।